शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से जब घर पे बात नहीं बनी तो आप मेरे पीछे मेरे ऑफिस तक चले आए। मेरी नौकरी लगी है यहाँ, तुम्हारा नया इंटर्न हूँ मैं। नाम है इसका, वो मेरा इंटर्न है नया। मुझे लगता है कि अभय की शादी तो नहीं हुई होगी। इसकी नजर तो ऐसी कि जिसको एक बार देखे बस दिल दे जाए। बेशर्मी की हद पार कर दी है इस आदमी ने। पहले निकम्मों की तरह घर पे पड़ा रहता था और अब अपनी बीवी के घर पे ऐश आराम से रह रहा है। वाह कीर्ति, हम सच कह रहे हैं पापा। अरे मोहल्ले वाले कहते थे कि अपनी बीवी के पैसे पे पलता है तो जाके सबका सर हाथ फोड़ आता था, और अब देखो सिर्फ पैसे पे नहीं बीवी के घर पे ही पल रहा है ये। चुप रहा कहती, कुछ भी बोले जा रही है। हम सच कह रहे हैं पापा। आप भूल गए पापा कैसे इसने दीदू की बेइज्जती पूरे परिवार के सामने की थी। और आज देखिए यहाँ पे इसके लिए खाना परोसा जा रहा है, और जब हम अपने घर में रहना चाहते थे तो हमें घर से बाहर निकाल दिया क्यों? कीर्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से इतने बदतमीजी से बात करने की? इस घर के राशन के हर दाने पर उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई डाली है, वो यहाँ रह सकते हैं। अगर आप लोग को अपनी इज्जत मिट्टी में मिलवानी है ना तो कराइए। रुको कीर्ति, वैसे तो श्रद्धा ने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए, पर ये सवाल मुझसे थे इसलिए जवाब सुनती जाओ। आती है शर्म मुझे यहाँ रहने में, पर जैसा बर्ताव मैंने श्रद्धा के साथ किया है उसके लिए अगर मुझे हजार बार भी उससे माफी मांगनी पड़ेगी ना तो भी मांगूंगा, और तब तक मांगूंगा जब तक तुम्हारी दीदी मुझे माफ ना करते। आंटी जी, आज मैं इतना ही खाऊंगा, ज्यादा खाना खाऊंगा तो ज्यादा नींद आएगी, और सुबह दफ्तर के लिए अगर लेट हो गया तो मेरी नई बॉस को फिर से मौका मिल जाएगा मुझ पे गुस्सा करने का। ये रहा अभय। अरे मम्मी, आपको बोला था मैंने परिवार वाले नहीं आ सकते हैं। अरे हम तुम्हारी माँ हैं, हमें तुम्हारे दफ्तर में ना किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है तुमसे मिलने के लिए, समझे तुम? अरे तुम बोल कर तो दिखाए, बोल कर तो कोई दिखाए, दुआ है हम तुम्हारी। अरे श्रद्धा, श्रद्धा बेटा। अरे मम्मी जी, खुश रहो। अच्छा बेटा, हम ना तुम लोगों के लिए खाना लाए हैं। हाँ, हमने खुद बनाया, आओ सब तुम्हारे मनपसंद चीजें बनाए हैं हम। अरे हमने ना बहुत मेहनत से तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया। लेकिन तुम्हारे पापा जी को ना
सिर्फ तुम्हारे हाथ का स्वाद ही याद रहता है। तुम बहुत याद आती हो बेटा। तुम कब घर वापस आओगे अपने मम्मी जी और पापा के पास? हाँ जल्दी आ जाओ बेटा। मम्मी जी मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। अरे श्रद्धा बेटा, हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ, उस पर और बोलो मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, टूट गया हूँ मैं अंदर से। अपने इस नालायक पति को एक मौका दे दो। सारी बातों को भुला दो, रात गई बात गई, चलो ना घर। बेटा हम बहुत याद करते हैं तुम्हें। तुम कब घर वापस आओगे अपने मम्मी जी और पापा के पास? हाँ जब ये अनजान आदमी के साथ फिसल सकती है तो मेरी जुबान भी लड़खड़ा सकती है। मेरी चुप्पी इन सब की उम्मीद ना बढ़ा दे और इन सब को तोड़ दे। मुझे कुछ करना होगा। हेलो क्या कौन से क्लिनिक में लेके गए? ठीक है मैं अभी वहां पहुंचा। ओके क्या हुआ बेटा, किसे क्लिनिक लेकर गए? वो कीर्ति। कीर्ति कीर्ति ठीक तो है ना? मुझे पता नहीं, वो कह रहे हैं कि कीर्ति कॉलेज में डांस रिहर्सल के दौरान फिसल के गिर गई। हे भगवान, हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं मम्मी आप यहीं रुकिए और यशवी जी को भी बता दीजिए कि ये सब हो गया। मैं वहां जाके देखता हूँ कि हुआ क्या और फिर आपको फोन करता हूँ। ठीक है? ठीक है। अब और कोई मुसीबत नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। हिम्मत करके सबके सामने अपना फैसला रख दूंगी। जीजू इधर चले, जीजू उधर चले, वो उधर चले, कहाँ चले, हम तो इधर खड़े। अब कहाँ जाएगा? बचेगा तो नहीं तू? क्या बचपना है, अभी चोट लग जाती है आपको, संभल के चलना चाहिए था ना। तुम्हारे आने की आहट नहीं, एहसास होता मुझे। जब महसूस हुआ ना तो पता था, आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ तुम पे। तुम मुझे कभी गिरने नहीं दोगी। भरोसा करने में देर कर दी आपने। बबलू क्या ये सब, पूरे घर को गंदा करके रख दिया है तूने और अब छुप कर बैठा है? बाहर निकल। सॉरी दीदू। मम्मी कहाँ है? वो जीजू के घर पर रही है, कीर्ति दीदू से मिलना। बेटा oh,
ये मुझे दे दे। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, फिलहाल कीर्ति और बच्चा दोनों ही ठीक है, पर डॉक्टर ने कहा है कि अब हमें ज्यादा ध्यान रखना होगा वरना खतरा हो सकता है। अपनी हालत जानते हुए भी आप इतनी नासमझी कैसे कर सकती है? हाँ, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। स्वीटू, मैंने तुम्हें कॉलेज वापस भेजा था ताकि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, लेकिन ये डांस वांस करने का क्या मतलब है? डांस की वजह से नहीं लगी है हमें, वो तो धक्का लग गया, हम गिर गए इसीलिए लगी है। क्या? अरे तो कॉलेज में भी भीड़ होती है ना, तो हमें ही देख के और संभाल के चलना चाहिए। आंटी जी, अब पहले से थोड़ी ना पता होता है कि कब कौन कहां धक्का देगा, और इसमें वैसे भी कीर्ति की क्या ही गलती है। अगर तुम्हें इतना वकालत करने का शौक है तो तुम ही कॉलेज क्यों नहीं चली जाती है उसकी जगह पे पढ़ाई करने? यहाँ मुकदमा बैठाने की क्या जरूरत है? मम्मी, थोड़े दिनों के लिए हमें अपने साथ घर ले चलो ना। नैना जी, वो मैं ये कह रही थी, कीर्ति थोड़ा घबराई हुई है, अगर आप कहें तो कुछ दिनों के लिए इसे अपने पास रख लूं। यशवी जी, आप अपनी बेटी को घर ले जाने की इजाजत मांग रही है या हमारी भाभी पर इल्जाम लगा रही है कि ये सास अपनी बहू का ध्यान नहीं रख सकती? किस्मत वाली है आपकी ये बेटी जो ऐसी सेवा करने वाली सास मिली है उसे। नहीं नहीं रितु जी, आप गलत समझ रही हैं। जाना हमें है तो मर्जी हमारी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आपकी जिंदगी है तो फैसला भी आप ही लीजिए। नैना जी, सच कहूं तो आपकी तरह तो मैं भी इसका ख्याल नहीं रख पाऊंगी। वो क्या है ना, माँ का दिल थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए कुछ ज्यादा ही बोल गई मैं। इस घर में अपनी मर्जी से हम कोई फैसला नहीं ले सकते, और दीदू, दीदू तो सब कर सकती है। कीर्ति, कीर्ति, आप रहने दीजिए, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे चाहिए। हे भगवान, पूरा घर फैला दिया है इस लड़के ने, पता नहीं कब बड़ा होगा। स्कूल बैग वहां कौन फेंकता है? सब अब कुछ पूछ रही हूं मैं तुझसे, क्या है ये सब? देखती हूं और तेरे बैग में क्या क्या है। कहां से आए ये पैसे? मम्मी पापा तो इतने पैसे नहीं देते हैं तुझे, फिर इतने पैसे आए कहां से तेरे पास? तू चोरी करने लग गया है बबलू, मुझे सच सच बता दे, कब से चल रहा है ये सब? श्रद्धा, तुम ये बात प्यार से भी पूछ सकती हो, बच्चा है वो। प्यार का ही नतीजा है जो अब ये ऐसी हरकतें करने लग गया है। ये लेटर देख रहे हैं आप? आपको पता है इसमें क्या लिखा है? प्रिंसिपल ने भेजा है लेटर जो ये हमसे छुपा रहा था। इसमें लिखा है कि ये अपने क्लास से बंक मार रहा है। अरे तो फिर से जाके उधर छुप गया? बबलू क्यों सबको परेशान कर रहा है? पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता क्या तेरा? बोल
तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। श्रद्धा, तुमने मुझसे कहा था कुछ भी बोलने से पहले सामने वाले को मौका देना चाहिए उसकी बात रखने का। मैं बबलू से बात करता हूँ। हाँ, मैं जीजू को ही बताऊंगा। क्यों? ये फैसला करने वाला तू कौन होता है? बबलू तू जा, मैं आता हूँ। जा तू। पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का। श्रद्धा, मुझे एक मौका दो बबलू से बात करने का। मैं उसके जैसा ही था, समझता हूँ उसे। एक बार भरोसा करो मुझ पर। हमने बोला कि हमें आइसक्रीम खाने का मन है, हाँ? नहीं ना, तो फिर क्यों लेकर आए? तुम भी ना औरों की तरह हम पे मनमानी चलाओ। अब हमें ये नहीं चाहिए, लेकर जाओ। हमें ना पता था कि तुम्हारा दिमाग ना गरम होगा, तो ऐसे टाइम पे आइसक्रीम से बेहतर तो कुछ और हो ही नहीं सकता था। और जब तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें खुद ही कह दिया कि तुम्हारे मन में जो आए तुम वो करो, अपनी मन मर्जियां चलाओ, तो तुम काहे नाक पे गुस्सा लेके बैठी हो? और तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है तो जाओ ना, रहो ना अपनी माँ के साथ। क्या गलत है उसमें? जो पसंद है वो करो। आपको कैसे पता कि मुझे चौकू शेक पसंद है? क्योंकि मुझे भी पसंद है। अरे वाह, तू कविता भी लिखता है? कविता नहीं जीजू, रैप। ओ, तो तुझे रैप पसंद है? पढ़ाई में दिल नहीं, पर दिल से निकलता है रैप मेरा। फिर भी लोगों को लगे कि बबलू अपने पापा का निकम्मा है छोरा। अरे वाह, तूने तो दो लाइन गाकर मेरी लाइफ की पूरी स्टोरी गा दी। सच? आप भी? हाँ, मुझे ना ड्राइंग का बहुत शौक था, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बहुत मार खाई है मैंने, मार्क्स अच्छे नहीं आते थे ना। यही दो लाइन में मेरी भी कहानी है जीजू। अच्छा ये बता, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है क्या जिसके लिए तुझे पैसे चाहिए थे? एक बबलू, मैंने अपनी बात तुझे दिल से बताई ना। चल अब तेरी बारी है, बता क्या हुआ। क्लास में कुछ लड़के जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, जबरदस्ती मुझसे पैसे लेते हैं, इसलिए मैं क्लास में नहीं जाता। बाहर घूमता हूँ, अपना रैप लिखता हूँ, और फिर क्लास नहीं जाता तो होमवर्क नहीं कर पाता और टीचर शिकायत करती है, इसलिए मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, समझा? तेरा जीजू है ना तेरे साथ, उन लड़कों को और तेरी पढ़ाई को दोनों को ठीक कर दूंगा। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मजे कर तू बस। पर दीदू, तेरा जीजू है ना, और दीदू को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बबलू, अब मुझे लगता है मम्मी बुला रही होगी, मैं जाता हूँ। मैंने बबलू से बात कर ली। सुना मैंने, आप क्या कह रहे थे उससे? वैसे ही उसके मजे खत्म नहीं हो रहे, और ये सब काम के लिए आप उसे और बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो श्रद्धा, मैं श्रद्धा, बी का स्क्वायर बना ऐसे कि स्क्वायर का टुकड़ा टुकड़ा हुआ, जो जैसे टुकड़े में निकला पहले ए का टुकड़ा फिर बी का टुकड़ा, टुकड़ों से सुलझाएंगे हम फॉर्मूले का पछड़ा। क्या है बबलू, तू फिर से गाना गाने लग गया? नहीं नहीं, यही गाना गाएगा तो तुझे मैथ्स में नंबर आ जाएंगे। पढ़ाई को मजाक समझ रखा है तूने। अब मैं समझी, तू यही स्कूल में करता होगा इसीलिए क्लासेस बंक करता है।
नहीं दीदी, वो तो मैंने जीजू के कहने पर। अच्छा, तो ये सारी पट्टी आप ही इसे पढ़ा रहे हैं ना? अब है, आप जानते हैं ना, ये वैसे ही नहीं पढ़ता लिखता है, और ऊपर से ये सब सिखा के आप उसे पढ़ाई से और दूर कर रहे हैं। अरे नहीं श्रद्धा, क्या लगता है आपको, आपके ऐसे ही बात करने से, घुलने मिलने से मैं पिघल जाऊंगी? ए प्लस बी का स्क्वायर बनाया ऐसे कि स्क्वायर टुकड़ा टुकड़ा हुआ तो जैसे स्क्वायर के टुकड़े में निकला पहले ए का टुकड़ा फिर बी का टुकड़ा। स्क्वायर के टुकड़ों से सुलझाएंगे हम फॉर्मूले का पछड़ा, जब इन टुकड़ों से हम बनाएंगे ए और बी का दुकड़ा। ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए और बी का दुकड़ा। ये जीजू ने सिखाया है, नया तरीका है। आधा मैथ रात में ही समझ आ गया दीदू, जीजू बहुत अच्छा समझाते। चला बाकी सब क्लास में पढ़ के बनाना, वो टीचर की सुनना। पक्का जीजू। बाय जीजू। माफ कीजिएगा, वो तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसी मजे में वो तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ पाएगा, बाकी और सब्जेक्ट्स भी तो है ना ध्यान देने के लिए। तुम्हें मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ जो तुम गुस्से में बोलती हो वो दिल से नहीं बोलती हो। अब मैं 5 मिनट में तैयार होके आ जाता हूँ, तो फिर साथ में ही चलते हैं दफ्तर बॉस। नहीं अभय, मुझे आज कहीं और भी जाना है, मैं अभी ही निकल रही हूँ। हमारा साथ अब नहीं हो सकता अभय। बधाई हो श्रद्धा, तुम्हें तो आज पार्टी देनी चाहिए ना, इतनी बड़ी खुशखबरी जो मिली है। कैसी खुशखबरी बेटा? श्रद्धा की नौकरी लग गई है मुंबई में। आंटी जी बेटा, तुम्हारी नफरत तो मेरी नफरत के भी आगे निकल गई। अरे यार हो गई गलती मुझसे, क्या नहीं किया मैंने, अरे दिल से माफी मांगी है मैंने तुमसे, पर तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब नहीं रोकूंगा तुम, ना ही मनाने आऊंगा तुम्हें, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें आज के बाद, तुम मुझसे आजाद हो। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।